क्या घातक भाई ने लीव कर दिया है गॉडलाइक को एंड घातक भाई का फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है, तो क्या गाइस इंडिया वर्सेस नेपाल का भी इन्विटेशन लैंड होने वाला है, तो गाइस डीएक्सटी परफॉर्मेंस अचानक से लोग व्यू हो गई, तो गाइस सेंस के साथ एक बहुत फनी एक्सीडेंट हो गया, तो भाई फर्स्ट अपडेट है घातक भाई के रिलेटेड, तो भाई कल कंटेंट लाइव कर रहे थे एंड भाई सब पूछने लगे घातक भाई कहाँ है एंड क्या घातक भाई ने लीव कर दिया है गॉडल को, इन सब के रिलेटेड कंटेंट ने क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। हाँ तो गाइस अपन घातक के टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी कोचिंग कोई और कर रहा है टीम को एंड तो घातक अभी एज यू नो कि कोच नहीं है टीम के लिए, तो घातक गेमिंग के रिलेटेड ही कुछ प्लान कर रहा है। वो अभी फ्यूचर प्लान है उसका कि वो गॉडलाइक में होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड ऑन प्लान कि वो मुझे पता है उसका प्लान एंड ऑल, बट मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि वो खुद रिवील कर देगा आपको कि क्या है क्या नहीं, वो कौन सी ऑर्ग वगैरह ज्वाइन नहीं करा कुछ नहीं, बट वो खुद का कुछ स्टार्ट कर रहा है कि जो अगर वो गॉडलाइक में रहेगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा मान के चलो, और वैसे तो हमारे साथ ही है डोंट वरी, बस अभी डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लान एग्जीक्यूट करता है। दो तीन प्लान है उसके, उसमें से एक प्लान ऐसा है कि वो गॉडलाइक में रह के भी एग्जीक्यूट कर सकता है, और बाकी के जो एक दो प्लान है उसके लिए मतलब वो गॉडलाइक विदाउट गॉडलाइक उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो जो भी उसके प्लान है वो आपको बताएगा। बाकी तो सब सही है गाइस, जो भी बस थोड़ा घूम रहा है एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को। क्या गाइस कार्तिक भाई हमें एज अ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर देखने को मिल सकते हैं इस पे क्वार्टर ने क्या बोला, लेट्स सी। घातक विल ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट, क्या पता हो सकता है, डिपेंड ऑन कि वो क्या करना चाहता है, चार पांच ऑप्शन है उसके पास, मतलब वो बोलता रहता है मेरे को कि ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो मैंने उसको वही बोला कि जो तेरे को बेस्ट रहेगा वो कर, क्योंकि वो कोचिंग तो नहीं करेगा, कोच तो नहीं रहेगा, तो जैसे एग्जांपल बताता हूँ कि स्काई स्पोर्ट्स और गॉडलेग स्पोर्ट्स कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स एक टीओ है एंड गॉडलेग स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत सारे एलिगेशंस वगैरह लगते हैं आपको पता है ना। तो गाइस घातक भाई की बात कर ही रहे हैं तो कल स्नैक्स की तरफ से एक स्टोरी देखने को मिलती है जहाँ घातक भाई एंड स्नैक्स भाई साथ में चाय पी रहे थे एंड वो क्लिप आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन में। चाहसा घोत घातक भाई सोबत मराठी सीख रहे हो गाइस, कुछ दिनों से गॉडलेस स्क्रीन खेलते हुए नहीं दिखाई दे रही है, इस पर क्रॉन्टन ने बोला एक दो दिन और गॉडलेस स्क्रीन नहीं खेलेगी एंड ये क्लिप भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। प्लेयर स्क्रीन क्यों नहीं खेल रहे भाई, अभी शूट वगैरह चल रहा है उनका, अभी दो तीन दिन आपको कोई स्क्रीन खेलते हुए नहीं दिखेगा, वो अपना जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस है भाई, और वो खेल रहे हैं स्क्रीन बट वो अलग स्क्रीन खेल रहे, मतलब जो होते हैं ना जो भी एक्स वाई जेड वो स्क्रिम्स खेल रहे हो। क्या गाइस अगर क्वार्टर एंड सोल इंडिया वर्सेस कोरिया इन्विटेशनल में होती तो क्या वो इसे जीत जाती, तो भाई इस पर उसन शर्मा ने क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। सोल होती तो जीत जाती भाई, डोंट यू थिंक कि सोल होती तो जीत जाती, सी नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी टीम, लाइक सोल होती शायद जीत जाती शायद ना जीतती, अगेन सोल क्वालिफाई कर सकती थी, आपको पता है टॉप 8 टीम्स आई है यहाँ पे। रियलिटी चेक इज दिस, कोई भी एजुकेटेड आदमी यही बोलेगा कि भाई क्वालिफाई करने का चांस था उनके पास, सेमीफाइनल्स फाइनल्स घुसने का चांस तो था नया टीम्स के पास, गिविंग यू अ रियलिटी चेक। अगर सोल होती तो जीत जाती, बट सोल होने के लिए सोल को क्वालिफाई करना पड़ता ना, राइट, टॉप 8 में आना होता, लाइक आई एम नॉट अगेन नॉट स्प्रेडिंग एनी हेट ऑन एनीथिंग, टीम गोस फॉर गॉडल, टू बी ऑनेस्ट गॉडल अगर वो क्वालिफाई होते डेफिनेटली आते। तो भाई ओशन शर्मा की बात कर ही रहे तो ओशन शर्मा से पूछा जैसा अभी इंडिया वर्सेस कोरिया होता क्या वैसे इंडिया वर्सेस नेपाल हो सकता है, इस पे ओशन ने क्या बोला लेट्स सी। कोरियन टीम्स व्हिच टीम शुड प्ले अगेंस्ट इंडियन टीम्स, आफ्टर कोरियन टीम्स आई बिलीव यस नेपाल टीम शुड डेफिनेटली प्ले अगेंस्ट इंडियन टीम्स, राइट, आई बिलीव इट्स फीजिबल, इट्स इजीली एक्सेसिबल अगर देखा जाए, बट आई डोंट थिंक सो इट्स हैपनिंग दिस ईयर एनीमोर। I would hope an international sort of a tournament to happen in India. International in the sense, multiple regions, not just one region. I would want a multiple region tournament happening in India. I would wish that as a fan of a battle royale, I would wish that.
तो गाइस नेक्स्ट अपडेट है सेंसे की तरफ से, तो भाई उनके साथ एक फनी एक्सीडेंट हो गया, हमारे लिए तो फनी है बट उनके लिए शॉकिंग था। एग्जैक्ट उनके साथ कुछ ये हुआ कि उनका बैग किसी गर्ल के साथ एक्सचेंज हो गया एंड सेंसे ने इसके लिए क्या बोला ये देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पे। तो गाइस एक बहुत गंदा सीन हो गया मेरे साथ। एक्चुअली हुआ गया, हम एयरपोर्ट्स आ रहे थे और मेरे एकदम नया बैग था, मैंने नया मतलब अटैची ली थी, सूटकेस लिया था, एकदम नया था और मैंने वहाँ से उठाया, मतलब मैं कभी चेक नहीं करता था क्योंकि मेरा बैग बहुत आइडेंटिकल था, पता लग जाता था मेरा, और मैंने इस वाले बैग को चेक नहीं करा कि ये मेरा बैग है। मैं होटल आता हूँ, जस्ट पहुँचा था मैं, इतना लेट, एक तो ड्राइवर लेते मैं था, 5-6 घंटे लग गए, और जैसे ही आया मैंने जैसे अपनी अटैची खोली ना भाई, सबसे पहले उसमें से लेडीज गारमेंट निकले, मेरे फट गई, मतलब मेरे बैग में ये सब किसने डाल दिया। फिर मुझे थोड़ा ध्यान आया कि भाई ये तो मेरा बैग है ही नहीं, मैंने जब ध्यान से देखा और वो किसी लेडी का बैग था और उस पर जो लगे रहते चिट्ठी वगैरह मैंने फाड़ के फेंक दी। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जो लेडी वो कंप्लेंट करे और मुझे कॉल आए। उन्होंने गलती की जहाँ पे आपके पहले BGIS में आपकी पूरी टीम ने इतना अच्छा खेला, 88 finishes में से 27 सारंग निकाला, 22 ड्रीम्स निकाला, बाकी 39 आदित्य और पुकार के पास थे, तो जो सेकंड फ्रैगर था आपने उसी को बिठा दिया और जितनी सिनर्जी थी जो भी सारी चीज़ें थी, इतने जल्दी नहीं बन सकता ना, प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इतने बड़े लेवल पे जाके बिना प्रैक्टिस के तो नहीं हो पाएगा। तो वो मोमेंटम उनका टूट गया, मोमेंटम टूट गया तो गेम खराब हो गया, गेम खराब हो गया तो कितना भी कर ले कमबैक तो बहुत मुश्किल है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।